एनएबी थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को पीसी रिमांड पर भेजा गया। थाने के सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि होली के दिन राजगढ़ निवासी मनीष सैनी ने थाने पर उपस्थित होकर मामला दर्ज कराया था कि मैं और मेरा साथी अजय बाइक पर होली मनाने ट्रांसपोर्ट नगर से 60 फुट रोड की तरफ जा रहे थे, जहां रास्ते में 60 फुट रोड के नजदीक वहां मौजूद कुछ युवकों के द्वारा हमें जबरन रोककर मेरे साथी अजय के सिर व पेट में चाकूओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे अजय बुरी तरह घायल हो गया, जिसे लहूलुहान अवस्था में अलवर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था। वह घटना की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दी गई थी। मामले की गंभीरता को लेते हुए थानाधिकारी ने टीम को गठित किया। सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज में मुखबिर तंत्र से मिले आउटपुट पर संदिग्ध बदमाशों की तलाश की गई, जिस पर अल्ताफ मेव पुत्र शोकत मेव निवासी दाऊदपुर व दिलराज बैरवा पुत्र विश्राम बैरवा निवासी रामनगर कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया है। घटना में शामिल अन्य आरोपी सोहेल पुत्र फरीद मेव निवासी दाऊदपुर अभी फरार चल रहा है। मनीष सैनी सन ऑफ ओम प्रकाश सैनी निवासी खासी के बाद राजगढ़ में बिना 8 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया था कि मैं और मेरा साथी अजय सैनी ट्रांसपोर्ट नगर से आ रहे थे, तो रास्ते में 60 फुट रोड पर अज्ञात मोटरसाइकिल चालकों द्वारा रोककर मेरे साथी अजय सैनी के पेट में और सर पर चाकू मार दिया, जो अरिस हॉस्पिटल में गई। इसमें दौरान तक 33 मुलजिमान को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जिनमें अल्ताफ सन ऑफ शौकत मेव निवासी दाऊदपुर तथा दिलराज सनो विश्राम बैरवा रामनगर कॉलोनी अलवर को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो पीसी रिमांड पर है, तथा सोहिल सनो हरीद मेव दाऊदपुर का है, वो फरार। क्या कहां से गिरफ्तार किया जा रहा है इनको? इनको अलवर से गिरफ्तार किया।